हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आबिद शेख। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस रिमोट के सभी फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, ताकि आप इस रिमोट के सभी बटन्स को इजीली ऑपरेट कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से बताऊंगा दोस्तों, ताकि आप आसानी से समझ सकें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पावर ऑन ऑफ का बटन है दोस्तों, इसके बाद ये हमारा टेम्परेचर अप डाउन का। तो ये तीन बटन के बारे में नॉर्मली लोगों को पता होता है, तो सबसे ज़्यादा लोगों को इस मूड के बटन का कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये हमारे मूड के बटन का क्या यूज है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। ये जो आप रिमोट के डिस्प्ले में ये जो आप फ्लावर जैसा एक सिंबल देख रहे हैं, ये हमारा कूल मूड का सिंबल है दोस्तों। तो जब आप इस मूड के बटन को एक बार प्रेस कीजिएगा, तो ये हमारा मूड चेंज हो जाएगा और आपका ड्राई मूड में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पानी के बूंद जैसा एक सिंबल आ गया है, ये हमारा ड्राई मूड के सिंबल है दोस्तों। तो इस मूड का यूज़ अधिकतर बरसात के मौसम में किया जाता है, जब आपके रूम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है बरसात के मौसम में, तब आप इस मूड का यूज़ करें दोस्तों। तो आपके रूम में जितना भी ह्यूमिडिटी है, ये मूड पे चलाने पे वो सारा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, और आपका रूम में एक बेहतर कूलिंग करेगा। तो इस बटन को हमने एक और बार प्रेस किया दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सूर्य जैसा एक सिंबल आ गया है, ये हमारा हॉट मूड का सिंबल है दोस्तों। तो अगर आपका एसी हॉट एंड कूल दोनों है, तो इस मूड पे सेट करने पे आपका एसी गर्म हवा भी देगा। तो इस मूड के बटन को हमने एक और बार प्रेस किया, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ैन का एक सिंबल आ गया है, इस मूड पर आपका एसी नॉर्मल हवा देगा दोस्तों, ना गर्म ना ठंडा। तो इस मूड के बटन को हमने एक और बार प्रेस किया, तो ये आप देख सकते हैं यह हमारा कूल मूड पे फिर से सेट हो गया है। तो इसी मूड पे आपको गर्मी के मौसम में चलाना है। तो इसके बाद ये हमारा फैन का बटन है दोस्तों, इससे हम अपने ब्लोअर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस बटन को हमने प्रेस किया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑटो लिखा हुआ आ रहा है। ऑटो पे क्या होता है दोस्तों कि हमारे रूम के टेम्परेचर के हिसाब से इसका फैन का स्पीड बढ़ता घटता रहता है। तो इस बटन को हमने एक और बार प्रेस किया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये हमारा सबसे मिनिमम पे सेट हो गया है ब्लोअर का स्पीड। इसके बाद ये हमारा मीडियम है दोस्तों, इसके बाद ये हमारा सबसे मैक्सिमम है। तो ये हमारे तीन चार स्पीड है दोस्तों। तो इसके बाद ये हमारा वर्टिकल स्विंग का बटन है दोस्तों, इससे हमारे एसी का जो सामने का फ्लैप होता है उसे हम अप डाउन मूव करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा एसी का जो हवा होता है वो पूरे रूम में फैलता है दोस्तों। तो इस बटन का यही यूज है। इसके बाद ये हमारा हॉरिजेंटल स्विंग का बटन। तो हॉरिजेंटल स्विंग का जो फ्लैप होता है दोस्तों, वो हमारा वर्टिकल स्विंग के फ्लैप के पीछे होता है अंदर के साइड में। तो ये वाला फ्लैप हमारा लेफ्ट और राइट स्विंग करता है दोस्तों, पर बहुत से वोल्टास के बहुत से मॉडल में ये हॉरिजेंटल स्विंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है, मतलब उसे आपको हाथ से ही सेट करना पड़ता है, रिमोट से काम नहीं करता है दोस्तों। तो इस हॉरिजेंटल स्विंग का यही यूज है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद ये हमारा सेवर मूड का बटन। इसको प्रेस करने से क्या होता है कि हमारा एसी का जो टेम्परेचर है वो हमारा 24 पे सेट हो जाता है, और आपका फ़ैन का स्पीड भी हमारा मीडियम हो जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है, हमारा एसी में कूलिंग तो करता ही करता है रूम में, इससे आपका बिजली बिल भी सेव होता है दोस्तों। और वोल्टास कंपनी भी यही सजेस्ट करती है कि आप 24 पे एसी को चलाएँ, अगर आपका रूम का साइज मीडियम है तो। तो इसके बाद ये हमारा अगला बटन है दोस्तों, लैंप का। तो इस बटन को प्रेस करने से क्या होता है कि हमारा जो एसी के डिस्प्ले में टेम्परेचर शो हो रहा होता है, इसको प्रेस करने से वो हमारा ऑफ हो जाता है दोस्तों। देख सकते हैं हमने प्रेस किया, तो ये हमारा ऑफ हो गया। तो इस फीचर को आप रात को सोते समय यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा टर्बो का बटन। इसको प्रेस करने से क्या होता है दोस्तों कि हमारा एसी का जो कूलिंग का स्पीड है वो हमारा बढ़ जाता है दोस्तों। इसमें कंप्रेसर का स्पीड और ब्लोअर फैन का स्पीड बढ़ जाता है, जिससे आपका रूम में कूलिंग तेज़ी से करता है दोस्तों। देख सकते हैं हमारा रिमोट में भी टर्बो लिखा गया है, ये हमारा फीचर ऑन हो गया है दोस्तों। पर इससे एक दिक्कत है कि हमारा जो बिजली का बिल है वो भी आपका थोड़ा ज़्यादा खपत होता है। तो इस टर्बो के बटन का यही यूज था। तो इसके बाद ये हमारा टाइमर ऑन का बटन है दोस्तों, और सेट का बटन, और हमारे टाइमर ऑफ का बटन है। तो ये तीनों बटन का यूज़ करके आप एसी में टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा एसी 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद ऐसा बंद हो जाए, तो आप इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने टाइमर ऑफ के बटन को प्रेस किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1H लिख के आ रहा है, मतलब 1 आवर। तो अगर आप चाहते हैं इसे टाइमिंग को बढ़ाना, तो आप प्लस के बटन को प्रेस करके इसके टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, और माइनस के बटन को प्रेस करके आप इसके टाइमिंग को घटा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ 2 घंटे बाद हमारा एसी बंद हो जाए, तो आप इस सेट के बटन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों, तो यह हमारा टाइमिंग सेट हो जाएगा। तो मैंने प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी के डिस्प्ले में देखिए 2 लिख के आ रहा है, ये हमारा
टू हावर पे सेट हो गया दोस्तों, ये हमारा एसी 2 घंटे बाद बंद हो जाएगा। तो अगर अब आप इस टाइमर को ऑफ़ करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसी टाइमर ऑफ़ के बटन को प्रेस कीजिएगा, तो आपने जो अपने एसी में टाइमिंग सेट किया था वो हमारा अनसेट हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। तो हमने इस बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमने जो टाइमिंग सेट किया था वो हमारा हट चुका है। तो इसी तरह से आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद है हमारा टेम्परेचर का बटन। तो इस बटन को प्रेस करने से क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो हमारा एसी के डिस्प्ले में शो होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारा 29 शो हो रहा था। एक और बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इस बटन को मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं वहाँ पर 29 शो हो रहा है उस डिस्प्ले में। तो इस बटन का यही यूज है दोस्तों। इसके बाद वाला बटन हमारा फॉल्स है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा वाईफाई और एडजस्टेबल का बटन है दोस्तों। अगर आपका एसी वाईफाई सपोर्टेबल है तभी इस वाईफाई के बटन का यूज है, नहीं तो फिर इसका भी कोई काम नहीं है दोस्तों। इसके बाद हमारा एडजस्टेबल का बटन है। तो इस बटन का ये फंक्शन हमारे इस एसी में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बटन को यूज़ करके आप इस एसी को 1 टन पे, 1.5 टन पे, 2 टन पे, इस पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का यूज़फुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।